एक वक्त था जब अमिताभ बच्चन अपने सपनों को पूरा करने के लिए फिल्मी दुनिया की भीड़ में शामिल हो गए। जब बिग बी ने इंडस्ट्री में कदम रखा तो उन्हें खूब आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। उनकी भारी आवाज का मजाक बनाया गया। हालांकि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि वो अपनी जिंदगी में इस मुकाम पर पहुंच जाएंगे कि लोग उनकी पूजा करने लगेंगे। 5 दशकों से इंडस्ट्री पर राज करने वाले अमिताभ बच्चन के चाहने वालों ने उनका मंदिर तक बनवा दिया है, जहां समय से पूजा पाठ की जाती है। जी हां, सही सुना आपने, अमिताभ बच्चन का मंदिर भी है। दरअसल कोलकाता के आनंद नगरी में अमिताभ बच्चन का मंदिर बनाया गया है। उनके मंदिर को बच्चन धाम से जाना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मंदिर में ठीक उसी तरह पूजा अर्चना होती है जिस तरह से भगवान की पूजा की जाती है। यूं तो अमिताभ बच्चन के कई फैंस हैं जो उन पर अपनी जान लुटाते हैं, तो वहीं एक फैन है, ना फैन नहीं, ये तो बिग बी के भक्त हैं, संजय पटोदिया, जो खुद को बिग बी का भक्त कहते हैं। और बच्चन धाम भी संजय पटोदिया ने ही बनवाया है। आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन का मंदिर यानी बच्चन धाम कोलकाता के आनंद नगरी में स्थित है। बच्चन धाम का पूरा पता कुस्तिया के 10A श्रीधर राय रोड है। अमिताभ बच्चन का मंदिर 24 घंटे खुला रहता है, जहाँ बिग बी के फैंस का तांता लगा रहता है। अमिताभ बच्चन के जबरा फैन संजय पटोदिया ने बताया कि बच्चन धाम में मौजूद बिग बी की मूर्तियाँ सबसे खास हैं। इसकी वजह बताते हुए उन्होंने कहा था कि लंदन, मुंबई और कोलकाता के म्यूजियम में मौजूद उनके वैक्स में बिग बी ने जो कपड़े पहने हैं, उन्हें वे असल जिंदगी में नहीं पहनते। हालांकि बच्चन धाम में मौजूद मूर्तियों में बिग बी ने भी वही कपड़े पहने हैं जो वे असल जिंदगी में पहनते हैं। अमिताभ बच्चन का मंदिर बनवाने वाले संजय पटोदिया ने प्यार की मीरा के साथ तुलना की। उनका कहना है कि वह अमिताभ बच्चन से उसी तरह प्यार करते हैं जैसे मीरा कृष्ण से करती थी। उन्होंने कहा कि वह भगवान शिव और विष्णु की तरह अमिताभ बच्चन को मानते हैं, इसीलिए उन्होंने ये मंदिर बनवाया है। बच्चन धाम की खासियत है कि यहाँ आरती के समय 79 पंक्ति वाली चालीसा का पाठ किया जाता है। मंदिर की दीवारों पर जय श्री अमिताभ बच्चन जैसे शब्द लिखे गए हैं। इतना ही नहीं, मंदिर के प्रवेश द्वार के टॉप पर बड़े बैनर पर जय अमिताभ बच्चन भी लिखा हुआ है। हर मंदिर की तरह बच्चन धाम में प्रवेश करने के लिए भी आपको जूते चप्पल उतारने पड़ते हैं। बिग बी की आइकॉनिक फिल्मों में पहने हुए जूतों को भी मंदिर में रखा गया है। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि जागरण।